अब हम इस शेप को देखते हैं जिस पे हमने पेन टूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर इस तरह का शेप हमें निकालना है तो ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब इस शेप में देखें डायरेक्शंस किस तरह की हैं, ऐसे करके इस तरह से और ऐसे करके इस तरह से डायरेक्शंस में। तो यहाँ पर करने के लिए आपने पेन टूल लेना है, शेप फिल को नॉन रखना है और स्ट्रोक को एक्टिवेट रखना है, एंड देन एक नई लेयर बना के आपने इस पर ऐड करना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ रहा है, यूँ और देन यूँ फिर वापस घूम के यूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए हमने यहाँ से क्लिक किया और देखें यहाँ पे ला कुछ ऐसे किया और यहाँ से इसको आगे ले गए। अब आगे तो ले गए, कैनवस से बाहर चले गए, तो ऑल्टर के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही ऑल्टर के साथ क्लिक करूँगा तो आगे वाला हैंडल मेरा रिमूव हो गया, जिसकी वजह से कर्व आगे नहीं आएगा। उसके बाद मैं यहाँ से नीचे आया शिफ्ट की मदद से, और कितनी नीचे आना था मुझे देख लेता हूँ मैं। जैसे इतनी नीचे आना था तो मैं यहाँ पर आके अब इसकी मदद से कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो अब थोड़ा देखता हूँ मैं इसको आगे कैसे लेके जाना है मुझे। तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट किया, और इफ़ेक्ट क्रिएट करने के बाद थोड़ा आगे चला गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ से मैं इसको आगे ले जाता हूँ इस तरीके से, और ले जा के मैं इसको इसके यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो अभी एक शेप तो क्रिएट हुआ, माइट बी के बिल्कुल वैसा क्रिएट नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। अच्छा, हमने उल्टा बना दिया इसका, ये यू का था मैंने इसको यू ले लिया। चलो वन सेकेंड ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें लेना है यू करके, तो वापस पेन टूल ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करके और इसको यहाँ पे रख के इसको ऐसे कर लेते हैं, और इसके बाद इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐसे रख लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको क्लिक करके यहाँ पे रख लेते हैं शिफ्ट के साथ, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ऐसे रख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे रख के इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे रख के इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो एक शेप निकल आया। फर्दर मोर अगर आपको इसको चेंज करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस तरीके से पकड़ के आप इसको यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पे रख के ये आपको ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट शेप इसका हमारा बन गया। मैंने कार्ड का ज़रा डिज़ाइन नहीं लिया था प्रॉपरली, इसलिए लाइन हाइट वाइट का मसला आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पेन टूल से क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे कोई भी कलर इसमें भर देते हैं, और उसके बाद स्ट्रोक लगा देते हैं। तो ये देखें बिल्कुल उस तरह का डिज़ाइन क्रिएट हो गया। सही है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से फर्दर अगर आपको कहीं पे इनमें चेंजेस करनी है तो पकड़ के आप वो चेंज यहाँ पर ईजिली दिखा सकते हैं अपना। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? सिमिलरली अब देखें इसके नीचे अगर कोई डिज़ाइन है, इस तरह का डिज़ाइन आपने क्रिएट करना है, तो ये बनाना भी मुश्किल नहीं है, ये बनाना भी आसान है। इसी डिज़ाइन को मैं थोड़ी देर के लिए डिसअपियर करता हूँ, एक नया लेयर ऐड कराता हूँ, यहाँ से पैन टूल लेता हूँ, वही स्ट्रोक है। तो अब देखिए ये कैसे बनेगा, ये ऐसे जाके ऐसे क्रिएट होना है और ऐसे करके वापस आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक ऐसे थोड़ा सा निशान लिया ताकि ये इस तरह से आएगा ऊपर से, और ये ऊपर आएगा तो फिर ये इसके पीछे चला जाएगा। ठीक है, और बाहर चला गया, जो हिस्सा बाहर चला गया वो इसके ऊपर डिसअपियर नहीं होगा ना। तो अल्टर के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं इसके नीचे आया थोड़ा जूम आउट करके, शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके इस पर रख दिया। अब इसमें मुझे कलर भरना था तो मैंने यहाँ पे शेप फिल पे क्लिक किया, और यहाँ पर एक मेहरून कलर इसमें मैंने फिलअप कर दिया। और इसके बाद मुझे इसके अंदर फर्दर कोई कलर देना था तो मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ कंट्रोल जे करना था और इस पीछे वाली लेयर को थोड़ा सा बाहर निकालना था। इस पर क्लिक करके मूव टूल लेके अप एरो की मदद से थोड़ा सा बाहर निकालना था, और इसमें एक अलग सा कलर मुझे डाल देना था। तो ये देखें इस तरह का शेड भी इसके ऊपर क्रिएट हो गया। सही लग रहा है, कलर इफ़ेक्ट्स में आप देख सकते हैं लाइट और डार्क कलर का डालेंगे तो इस इफेक्ट इस तरह का बनेगा। मर्जी यहाँ से थोड़ा सा मोटा करना है, यहाँ से थोड़ा पतला करना है, तो दैट्स भी वेरी सिंपल सिंपल सा कर सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले जाएँ और जहाँ पर थोड़ा रख के कंट्रोल टी दबाएंगे, रोटेशन आपका एक्टिवेट होगा। पेवमेंट पॉइंट को आप रखेंगे इस जगह पर, और यहाँ से रोटेशन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब जैसे इसके कुछ कॉर्नर्स वगैरह बनाने थे तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, और ऊपर ले जाने के बाद इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इसके कुछ कॉर्नर्स बनाने थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके कॉर्नर्स बनने में ये कुछ इस तरह के, जो थोड़े डार्क हैं थोड़े लाइट हैं। तो अगर इसको हम क्लिक करके यहाँ थोड़ा सा इसमें लाइट कलर डाल देते हैं जैसे इस तरह का, और इसके ऊपर कुछ डार्क कॉर्नर्स बनाने थे जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसे बनाया हुआ इसने ऐसे करके। तो ये बनाने का तरीका ये हो सकता है कि इस पर एक नया लेयर ऐड कराएँ, पेन टूल लें और देखिए इस पर कैसे बनेगा। ये यहाँ से हमने क्लिक किया इसके ऊपर, और यहाँ से लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर लेने के बाद
फिर हमने इसको यहाँ पे इसी तरीके से कुछ कर्व के साथ ऐसे कर दिया, ठीक है। और करने के बाद हमने यहाँ से इसको अल्टर के साथ क्लिक कर दिया, और क्लिक करके फिर यहाँ पर क्लिक किया, और फिर हल्का स्लाइटली कर्व आपने इसके यहाँ पे इस तरह से दे दिया। स्लाइटली कर्व देने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसके इस एंकर पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा अप एरो से ऊपर कर दिया। करने के बाद अब आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो शेप बना है, शेप लेना है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर जाके थोड़ा डार्क कलर इस पर अप्लाई कर दिया। इस पर स्ट्रोक पर क्लिक किया, अप्लाई किया, और यहाँ से क्लिक करके अप्लाई किया, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर रखा, तो यहाँ पे रख के देखेंगे इस तरह का स्लाइटली जो इसका 3D थोड़ा सा पॉइंट था वो क्रिएट हो गया। डाउन एरो से मैंने थोड़ा नीचे किया, अब देखिए कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। सिमिलरली अब यही चीज़ आपको यहाँ क्रिएट करनी है, तो उसके लिए भी आपको यही करना होगा कि एक और लेयर यहाँ से क्लिक करके पैन टूल पर क्लिक करेंगे, पैन टूल पर क्लिक करके यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम क्लिक करके इसको यहाँ से ले लेते हैं। किस तरीके से कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस एरिया पर, और क्लिक करके मैं शिफ्ट के साथ थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, और उस पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ पर इस पॉइंट पर रख के मैं इसको हल्का सा स्लाइटली, ऐसे ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाऊँगा, हल्का स्लाइड करूँगा, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ऑल्टर के साथ यहाँ पर इसको क्लिक करना है ताकि इसका हैंडल आगे का ख़त्म हो जाए, वही कन्वर्ट टू पॉइंट टूल से, और फिर यहाँ पे रख के इसको मुझे इस तरीके से इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखिए इस पर अप्लाई हो गया, अब ये शेप इधर बन गया है। क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ देखिए, और इसको रखें थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे रख के अब आप जब नोट करेंगे तो ये देखिए आपका बिल्कुल उसी तरीके से 3D पॉइंट की तरह ये नज़र आएगा आपको, ठीक है। इसमें भी हमने ग्रेडियंट ऐड नहीं किए, अगर आप ग्रेडियंट ऐड करेंगे तो ये और ज़्यादा आपको बेहतर नज़र आने वाला है। और इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, तो ये देखिए आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो ये देखें इस तरह का शेड्स और इस तरह के डिज़ाइंस फर्दर कार्ड्स के ऊपर आप ऐसे ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेडियंट अगर आप इस पर लगाना चाहते हैं तो ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। ग्रेडियंट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, वेरी सिंपल, वेरी इजी। पहले मैं आपको नीचे वाले पे लगा के बताता हूँ, फिर देखें आपको ऊपर वाले पे बताते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले गए, इसके बाद आपने क्लिक किया ग्रेडियंट के ऊपर, तो कोई कलर शेड्स आपने बना ले रहे हैं वो चाहे आप किसी भी इस पर बना सकते हैं, जैसे ये ग्रेडियंट बना बनाया यूज़ कर सकते हैं, या आप अपना ग्रेडियंट बना लें, तो जो भी ग्रेडियंट बना रहे हैं जैसे लाइट रेड और डार्क रेड का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो यहाँ से पहले आप रेड कलर का एक पूरा मामला ले लें। पहले यहाँ पे ये देखें लाइट रेड ले लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके इस पर यहाँ से क्लिक किया, और यहाँ से हमने रेड पे क्लिक करके इसी का डार्क रेड वर्जन ले लेना है, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ गया। फर्दर डार्क करने के लिए इसको हमने यहाँ से डार्क कर दिया, तो ये लाइट रेड और डार्क रेड का एक कम्बिनेशन बन गया। इसको हमने यहाँ से क्लिक कर लिया और ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब अप्लाई होने के बाद ये नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अब ये अप्लाई कैसे हुआ हुआ है देखें, डार्क टू लाइट, तो डार्क टू लाइट ऐसे होगा, तो इसके इफ़ेक्ट्स ऑप्शन में चले जाएं और यहाँ से जाके डार्क टू लाइट इफ़ेक्ट पे क्लिक करें ग्रेडियंट के ऊपर। देखें अभी डार्क यहाँ है, लाइट नीचे है, तो यहाँ पे क्लिक करके स्केल को आप थोड़ा कम ज़्यादा करके देखिए, स्केल से डार्क आ रहा है, और यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पर डार्क आ गया, यहाँ पर लाइट आ गया, तो ये हो गया डार्क टू लाइट, मतलब डार्क इधर है लाइट इधर है, ठीक है, और इसको ओके कर दें। सिमिलरली इसी इफेक्ट को कॉपी करें यहाँ से कॉपी लेयर स्टाइल, और इस पर राइट बटन दबा के कर दें पेस्ट लेयर स्टाइल, सेम अप्लाई हुआ है पर इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे लाइट टू डार्क कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट पे जाएंगे और इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे रिवर्स, तो ये हो गया डार्क टू लाइट, तो इसको ओके करेंगे, तो ये इफ़ेक्ट कुछ इस तरह का क्रिएट हो रहा है, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट। तो जब इसके ऊपर क्लिक हटाएंगे तो इन पे मेरा ख्याल है कि इन शेप्स के ऊपर स्ट्रोक्स भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं इस शेप पे स्ट्रोक है, हाँ है, तो स्ट्रोक को यहाँ से नोफिल कर देते हैं और इसके भी स्ट्रोक को क्लिक करके यहाँ से नोफिल कर देते हैं। जैसे अब आप देखेंगे तो सही समझ में आया, ऐसे ही इफ़ेक्ट आप इनके ऊपर लगाएंगे, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, इसके ऊपर जब लगाएंगे तो ये आपका इफ़ेक्ट इसी तरह से बनेगा। सो अब मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा, पेन टूल, पेन टूल के साथ कर्व, कर्व के साथ आपको ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के साथ आपको बताया इनको किस तरह से एडजस्ट करना है, और इस तरह के शेप्स आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इस आईडी कार्ड का साइज़ है 3.6, ऐसे नहीं है बल्कि
2.2 ऐसे है विड्थ में और 3.6 इस तरह से है, मतलब ये वर्टिकल है। तो आपने अब असाइनमेंट के तौर पे ये बनाना है, तो आपको इसका साइज़ का कंफर्म होना चाहिए, ठीक है।